हम पटौदी के लोकरा गांव में मौजूद हैं। सीएम विंडो में भी डाल दिए, वीडियो साहब से भी, सेक्रेटरी साहब से लिखित में भी दे दिया, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। सीएम विंडो से जब वो अपने आप है ना क्लियर करके वो चंडीगढ़ भेज देते हैं, हमारे से कोई साइन नहीं करवाना, ना हमारे से कोई कहना कि भाई हमने सीएम विंडो पे कोई कार्रवाई करी है। बताओ करे तो हम क्या करें, बताओ। अब आगे टाइम में क्या होगा, इनकी सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक नया प्रोजेक्ट लाएंगी गवर्नमेंट इसके ऊपर। अगली खबर गुरुग्राम के पटौदी से है, जहां पर जनता के अलावा नेताओं ने भी अव्यवस्था के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। मामला पटौदी के लोकरा गांव का है, जहां पर एक बार फिर अधिकारियों की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। दरअसल गांव में सीवर लाइन तो बिछा दी गई, परंतु सीवर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, साफ सफाई इत्यादि के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है, जिससे सीवर लाइन ब्लॉक होकर सीवर का गंदा पानी पूरे गाँव में फैला हुआ है और आमजन के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है, तथा सरपंच कार्यालय समाप्त हो गया है और इस सारी समस्याओं को उजागर खुद गांव के ही पूर्व सरपंच कर रहे हैं। और सर, आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी समस्या की शिकायत करते हुए हम नेताओं को तो शिकायत करते हैं, परंतु अज्ञानता के कारण अधिकारियों के खिलाफ आमजन बोलने से कतराता ही है। मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धीरज शर्मा। हम पटौदी के लोकरा गाँव में मौजूद हैं, जहाँ पर ग्रामीण अच्छे खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो सीवर का पानी है वो लगभग पूरे गांव में लोगों के घरों में घुसने की नौबत आ चुकी है, और इस सारी समस्या को लेकर जो गांव के सरपंच है पंकज यादव जी, उन्होंने इसको फेसबुक पर भी डाला और हमसे भी संपर्क किया। हम एक बार जो ग्रामीण हैं इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं। हमारे साथ गांव के सरपंच पंकज यादव जी मौजूद हैं, एक बार इनसे जानते हैं क्या ये समस्या है, क्या है पूरा मामला। ये पूरा मामला है जी, शिविर रुकया पड़ा है जी, शिविर की कंप्लेंट हमने है ना सीएम विंडो में भी डाल दिए, वीडियो साहब से भी, सेक्रेटरी साहब से लिखित में भी दे दिया, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। सीएम विंडो से जब वो अपने आप है ना क्लियर करके वो चंडीगढ़ भेज देते हैं, हमारे से कोई साइन नहीं करवाना, ना हमारे से कोई कहना कि भाई हमने सीएम विंडो पे कोई कार्रवाई करी है। बताओ करे तो हम क्या करें, बताओ। मेरे पास भी चार्ज भी नहीं, मैं तो खूब कोशिश कर रहा हूँ भाई, लोगों से भी कह रहा हूँ भाई चलो वहाँ चलो, क्या करे बताओ। हाँ, मेरे आफत तो मेरे ऊपर आ रही है ना, बताओ जी। जी, ये गांव के सरपंच थे, फिलहाल इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन एक जिम्मेवारी बनती है। आम तौर पर जो गांव के लोग होते हैं वो इन्हीं पर दबाव बनाते हैं, लेकिन जो अधिकारी होते हैं उनकी लापरवाही का नतीजा अक्सर, क्योंकि अक्सर जो आमजन होता है वो राजनेताओं को तो बुरा भला कह लेता है, लेकिन इन अधिकारियों से अक्सर आप देख रहे हैं गांव के जो सरपंच हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और जो ग्रामीण, हम एक बार इनसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा सर धर्मवीर सिंह नाम है। क्या कुछ समस्या है इस गांव? समस्या क्या है वहाँ से सर, एक तो सारे मकान खराब हो गए, गली में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, आवागमन बंद है, वहाँ घरों में पानी घुस रहा है, और जहाँ जिसके प्लाट पशु वगैरह बाहर है रोड से यहाँ, तो घर से वहाँ आवागमन बंद है, और बच्चे स्कूल में जाते हैं 1 किलोमीटर घूम करके आते हैं, वहाँ की बस भी नहीं जाती वहाँ पर, और लेडीज़ के घुटनों में दर्द है, एजड फादर वगैरह हो रहे हैं, घर आ जा नहीं सकते, नहीं कुछ हो रहा है, हम बड़े बूट पहन करके वहीं से निकलते हैं सभी की। आप देखो सारे घरों के अंदर पानी घुसा हुआ, नई नई बिल्डिंगें खराब हो रही हैं सर, जिसकी सरपंच क्या, हम कहते हैं बेचारा सरपंच क्या करेगा इसमें, रतिराम साहब है होलदार, उनकी सारी बिल्डिंग खराब हो रही है सर। ये गटर देखो रास्ता यहाँ से 1 किलोमीटर सारा खराब है सर। ज़्यादातर हम बहुत सारे इलाकों में जो नगर पालिकाएँ हैं वो भी, वहाँ पर भी इस तरह की समस्याएं बरकरार है, और जो गांव हैं वहाँ पर भी ये समस्याएं बरकरार हैं। और अभी कोरोना काल अभी मौजूद हैं, तीसरी लहर के जो लगातार चांस जो आए दिन बताए जा रहे हैं वो, और फिलहाल ये डेंगू का समय चल रहा है, और डेंगू इस स्थिति में जो जल भराव लगातार गाँव में रहता है उसमें कितना ज़्यादा एक्टिव हो सकता है वो आप भली भांति समझ सकते हैं। कुछ और ग्रामीण हैं, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा है जी, ये तो पानी तो अब तो बाद में आया है, लेकिन वहाँ पहले से शिविर जो है ओवरफ्लो हो रहा था और दाएं बाएं चला गया उसका, लेकिन मेरे घर के पास जो है दीवार कम से कम 171 फुट के करीब मकान है, वो जो है ऊपर तक 6-6 फुट तक तो सीलन जा चुकी है, और नीचे जो है उसका फाउंडेशन है वो कमज़ोर हो गया है, वो कभी भी गिर सकता है। और ये पानी जो अभी ये दिखा रहे हो ये तो बहुत बाद में आया है, लेकिन वहाँ से पहले से ही था वो चीज़, और किसी ने तो आप देख रहे हैं मतलब जो मकान है वो गिरने की कगार पर आ गए हैं, और अक्सर प्रशासन जब गिरने के बाद उस पर कुछ एक्शन लेता है, लेकिन उससे पहले
अगर वो कुछ कार्रवाई करे तो बहुत सारी इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। एक मकान आदमी किस तरह से, किस उम्मीद से और किस दिल से बनाता है, लेकिन जब आप उसमें देखते हैं उसमें सीवर का पानी दीवारों में जा रहा है, घर के अंदर घुस रहा है, तो उस आदमी पर क्या बीतती होगी। वो अपने फर्ज से, अपनी दीवारों से एक लगाव रहता है, बच्चे खेलते हैं, लेटते हैं। गांव में अक्सर इस तरह का होता है कि मिट्टी पर भी पहले लोग खेला करते थे, लेकिन जब इस तरह का कीचड़ रहेगा तो आप समझिए कितनी बीमारियां गांव में फैल सकती हैं। अभी आपने देखा गांव में जो सीवर के जल भराव की जो समस्या है वो बीमारियों का घर बन चुकी है। और अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये जो रोड पर जो गंदगी फैली हुई है ये इस गांव की, लोकरा गांव की सफाई व्यवस्था है। एक बार इसके बारे में जानेंगे कि ये इसकी मुख्य समस्या जड़ क्या है, क्या लोगों की वजह से भी ये समस्या है, या प्रशासन को इसकी सफाई व्यवस्था, लोगों को सुविधा नहीं पहुंचा पा रहा है, इस वजह से लोग इसको यहाँ पर डाल रहे हैं। एक बार लोगों से बात करते हैं। जो गांव के सरपंच हैं वही हमें बताएंगे ये यहाँ पर जो गंदगी फैली हुई है क्या कारण है इसका। इसका कारण ये है कि जैसे हर दूसरे तीसरे महीने ये कूड़ा घेरते हैं, कूड़े गिरने की जगह वह कूड़े पे वहाँ गिरते नहीं, जो हरिजन कॉलोनी यहाँ गिरती है, दूसरे तीसरे महीने में उठवाता हूँ। तो इब की दफ़ा ये है ना, मुझे 6 महीने हो लिए मेरे ख्याल में, फरवरी में इलेक्शन थे उसके बाद हुए नहीं, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। नहीं सेक्रेटरी से भी और वीडियो से भी इसके मैंने अप्लीकेशन दे रखी, वो उठवाते नहीं। अब तीसरे चौथे महीने हर महीने उठवा देते थे, दिक्कत ये तो आ रही है। आपने देखा सरपंच साहब का कहना है कि जब मैं सरपंच था तो मैं खुद इस सारे कूड़े को उठवाता था, लेकिन अब मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और कुछ इन्होंने बताया जो पीछे की जो पेमेंट है वो भी प्रशासन के द्वारा क्लियर नहीं हुई है और अब ये समस्या इस तरह से बनी हुई है। तो आप देखिए ये जो बीमारियों का गढ़ बन चुका है ये इस गांव में, पूरे गांव में जल भराव है, सीवर का पानी भरा हुआ है, जगह जगह कूड़े के ढेर बने हुए हैं। और मैं धन्यवाद करूँगा सरपंच साहब का जो उन्होंने इस तरह का कदम उठाया और ये सारी समस्याएं हमारे संज्ञान में डालने की कोशिश की, प्रशासन के संज्ञान में डालने की कोशिश की। अक्सर जो गांव के सरपंच होते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे गांव में बहुत कुछ अच्छा है, हमने सारा काम बहुत बढ़िया किया है, वो समस्याएं दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ये सरपंच साहब हैं इनका कहना है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की लेकिन मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाह रहा था। और अब इनका कहना है कि लोग जो मेरे गांव के लोग जो परेशान हैं उसके बारे में इन्होंने सब कुछ बताने के लिए पूरे प्रशासन को सूचना दे रखी है और हमको भी यहां पर बुलाया है, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है और भविष्य में देखेंगे कि प्रशासन इसके लिए क्या कुछ करता है। इस समस्या में अधिकारियों की क्या कुछ जिम्मेवारी बनती थी और किस तरह से ये काम होना था और इस समस्या की मुख्य जड़ क्या है, इस सब के बारे में बताने के लिए हमारे साथ भारत जागरण के टेक्निकल डिपार्टमेंट से कुलदीप जी मौजूद हैं जो एक RTI कार्यकर्ता हैं। आपने समस्या देखी, लोकरा गांव की समस्या है जो इनका सीवर ओवरफ्लो होके अब उसमें पानी जाना बंद हो गया और वही पानी अब रोडों पे आने लग गया है। कुछ साल पहले जब 4-5 साल पहले BDO विभाग की तरफ से गांव में सीवर का ये जो काम स्टार्ट किया था तब हमने उस टाइम पे एक एप्लीकेशन लगाई थी कि आप इस सीवर का काम गांव में मत करिए, लेकिन उस टाइम किसी भी गांव का सरपंच हो या कोई भी अधिकारी हो किसी ने भी इसका अपोज नहीं किया। वो अपोज ना करने का रीज़न ये था कि फ्यूचर में जाके क्या प्रॉब्लम आएगी ये उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं थी और अधिकारियों को इससे मतलब नहीं होता क्योंकि अधिकारी इन गाँवों में नहीं रहते हैं। जब शिविर यहाँ बनाए गए थे तो उसकी सफाई की व्यवस्था का कोई भी इंतजाम उस टाइम पर नहीं किया गया था क्योंकि जो शिविर की सफाई का काम है वो मैनुअली नहीं हो सकता और कोई भी मशीन BDO विभाग की तरफ से कोई भी मशीन परचेज नहीं की गई थी। और अब जब धीरे धीरे जैसे आपने गांव में पहले भी देखा होगा जहाँ शिविर या अभी भी नहीं है वहाँ गांव में नाली भी सफाई करने के लिए व्यक्ति नहीं होते थे या जो एक दो लगाए जाते थे वो भी उसकी पूरी तरीके से गांव में ओपन नालियों की सफाई भी नहीं करते थे। अब धीरे धीरे 2-3 साल 4 साल ये सीवर चल गए हैं, धीरे धीरे गाँव में क्योंकि मिट्टी का काम होता है, लोग घरों में पशु रखते हैं, वो पानी जाके या रस्तों में भी गलियों में भी काफ़ी जगह मिट्टी होती है, अब वो मिट्टी उनमें जम चुकी है और वो पूरे ब्लॉक हो चुके हैं। और मैं आपको इसकी नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, अब आगे टाइम में क्या होगा, इनकी सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा बल्कि एक नया प्रोजेक्ट लाएंगी गवर्नमेंट इसके ऊपर या विभाग, जैसे 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 इसी गांव से अभी एक सरपंच साहब ने अपना मुद्दा उठाया, जब काफ़ी गांव के सरपंच इस तरह के मुद्दे उठाएंगे
उन सभी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अधिकारी एक नया प्रपोजल सरकार के पास भेजेंगे कि जो सिविर लाइन है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है और वो छोटी सिविर लाइन थी, तो हम इस बार ऐसा करते हैं कि बड़ी सिविर लाइन दबाएंगे और उसमें से इस पानी की निकासी हो पाएगी और उसी की तर्ज पर फिर सारे गाँव के रस्ते उखाड़े जाएंगे, बड़ी सिविर पाइपलाइन दबाई जाएगी और फिर अगले 5-6 सालों में फिर वही समस्या आएगी। लेकिन जब तक इसकी टेक्निकल बैठ के और उस पर काम नहीं किया जाएगा और सफाई की व्यवस्था के लिए जो सफाई के इक्विपमेंट होते हैं, जो मशीनें होती है, वो गांवों को नहीं दी जाएगी या ब्लॉक लेवल पे वो मशीनें नहीं आएगी, तब तक ये जो समस्याएं है ये आगे धीरे धीरे ऐसी बढ़ती रहेगी।